The question is that the radius of a iron solid sphere is 8 centimeter. Okay, so radius हमें given है 8 centimeter of a iron sphere. ठीक है, 8 rings of iron plate of external radius 6 2 by 3 centimeter. ये हमारे पास mixed fraction में given है, ये किसका ये external radius है. It is external radius of 8 rings. ठीक है, हर एक ring का same ही radius है, तो ring. And thickness 3 meter. तो मतलब उसकी जो ring बनाई उन्होंने, उसका जो external radius है, वो तो हमारे पास है 6 2 by 3. And जो उसकी thickness है, वो हमारे पास है 3 centimeter. Are made by melting this sphere. तो इस sphere को जो 8 सेंटीमीटर का था उसे मेल्ट करके ये बनाया गया. देन वी हैव टू फाइंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ ईच रिंग. तो हमें ईच रिंग का जो इंटरनल डायमीटर है वो निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले जो जो हमें गिवन था हमने यहां लिख लिया. ठीक है, सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में. तो हमारे पास क्या आएगा, 16 * 3 = 18 + 2 = 20. तो ये हमारे पास 20/3 सेंटीमीटर आएगा. ठीक है, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 आयरन रिंग्स. ठीक है, क्योंकि उसी से मेल्ट होके बनी है वो सारी. तो वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 रिंग्स. तो हम क्या करेंगे, एक रिंग की वॉल्यूम निकाल के उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो 8 इंटू में पाई इंटू में थिकनेस में मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, थिकनेस क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे जो एक्सटर्नल रेडियस है माइनस में इंटरनल रेडियस का स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, 4/3 πr³. तो पाई रेडियस कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 का क्यूब. तो पाई से पाई कैंसिल यहाँ से हमारे पास. ठीक है, एंड 1 8 से ये स्क्वायर कैंसिल, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास. तो अब यहाँ हमारे पास वैल्यूज पुट करते हैं. जो एक्सटर्नल रेडियस है वो तो हमें कितना, 20/3 सेंटीमीटर. ठीक है, थिकनेस हमें क्या गिवन है, 3. तो यहाँ आ जाएगा 3 हमारे पास. तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 4/3 × 8 का स्क्वायर 64 = 3 × यहाँ वाली पुट करते हैं 20/3 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 400/9 आ जाएगा माइनस में स्मॉल आर का स्क्वायर. तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 3, हमारे पास 16 × 4 = 256 होगा अपॉन में 3 = 3 × यहाँ एलसीएम लेंगे तो 400 - 9 आर स्क्वायर अपॉन में 9 होगा. तो यहाँ से 3 पे कैंसिल होगा और ये हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट 256 = 400 - 9 r² दैट इज, इसे हम ले जाते लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम ले जाते राइट हैंड साइड. तो हमारे पास आ जाएगा 9 r² = 400 - 256. तो 400 - 256 दैट विल बी इक्वल टू 144. तो 9 r² = 144 और r² = 144/9 दैट इज, अब हमारे पास r क्या होगा, यहाँ से 44 12 का स्क्वायर है तो 9 3 का स्क्वायर, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा. तो हमारे पास जो इंटरनल रेडियस है जो वो हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर. ठीक है, हमें क्या निकालना था, वी हैव टू फाइंड द इंटरनल डायमीटर. तो रेडियस आ गया 4, तो उसको 2 से इंटू करेंगे तो हमारा डायमीटर आ जाएगा. तो इट इज डायमीटर विल बी 8 सेंटीमीटर.